शहर के संजय कॉलोनी के एक रोड की पंचमुखी दरबार मंदिर के पीछे अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को सीवरेज लाइन के गड्ढे में फेंक दिया। कत्ल की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। ये फ्रॉड बीती रात रामसनी अस्पताल जाने की कहकर किसी के साथ घर से निकला था जो लौट कर नहीं आया। भीमगंज पुलिस का कहना है कि आज सुबह सीवरेज लाइन के 8 फीट गहरे गड्ढे में एक फ्रॉड की लाश पाई गई। शव चंबल परियोजना के कर्मचारियों ने देखा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान संजय कॉलोनी निवासी सुशील सोडानी के रूप में की। सोडानी लाइट डेकोरेशन का कार्य करता था। वह रात 12:30 बजे घर से किसी के साथ रामसनी अस्पताल जाने की कहकर निकला था जो लौट कर नहीं आया। इस बीच मृतक के बेटे सिद्धार्थ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पिता की हत्या का मामला भीमगंज थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। आज सूचना मिली कि पंचमुखी दरबार के पास सीवरेज का कार्य चल रहा है, उसके गड्ढे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर पहुँचे और जानकारी की तो उक्त व्यक्ति सुशील सोडानी निवासी संजय कॉलोनी भिलवाड़ा शिनाख्त हुई है। उसके पुत्र ने एक लिखित रिपोर्ट दी है कि रात को कोई अनजान व्यक्ति घर पर 1 बजे करीब बुलाने आया था, जिसके साथ पिताजी गए थे। उनके बाद उनकी लाश मिली है। हमें उनकी मौत पर शक है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जारी है।